कि मीठे रस से भरी उड़ी राधा रानी लागे महा रानी लागे कि मने मीठो मीठो यमुना जीरो पाड़ी लागे कि मीठे रस से भरी उड़ी राधा रानी लागे सरकार की जय हो। राधा रानी को और यमुना मैया को यहाँ बताया गया है कि श्री राधा रानी तो गौर वर्ण की हैं, एकदम गोरी हैं, कैसे बोले स्वर्ण से भी ज्यादा, लेकिन श्री यमुना मैया को काली कहा गया, यानी कालिंदी नाम यमुना मैया का कहा जाता है। जैसे भगवान कृष्ण का वर्ण है, वैसे आप जब यमुना जी जाओगे ना, जो जो वृंदावन गया होगा वो देख कर आया होगा कि यमुना जी का जो रंग है वो बिल्कुल श्याम रंग है जो भगवान कृष्ण का था। तो यही भक्त कहता है यहाँ इस प्रसंग में, इस पंक्ति में, अज यमुना जी तो सांवरी सांवरी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो सांवरी सांवरी राधा गोरी गोरी, अज यमुना जी तो सांवरी सांवरी राधा गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम
बरसाने वाली की जय हो। हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आप सभी सत्संग में बैठे हैं तो आप सभी वैष्णव जन हैं, लेकिन हमारी जिव्या हमेशा दौड़ती है, कभी दाल भाप ले खा लो ये कहती है, कभी कहती है दाल बाटी खा लो, कभी कहती है चूरमा खा लो, कभी कहती है कि कुछ बना कर खा लें। बड़े बड़े आइडिया आते हैं मन में, आते हैं कि नहीं आते, मैया लग पड़ती हैं काम बनाने में, ये जिव्या करवाती है। लेकिन जिव्या का वास्तविक स्वाद क्या होना चाहिए? भगवान का नाम होना चाहिए। इसलिए कहता है भक्त, अजिना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई, अजिना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। क्योंकि हारी तो जीवनी अन भावे राधा नाम मलाई, हारी जीवनी अन भावे राधा नाम मलाई, अजिम हारी तो जीवनी अन भावे कृष्ण नाम मलाई, हारी तो जीवनी अन भावे कृष्ण नाम मलाई, राधा रानी तो मान है पानी लागे।